गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये हमारा क्लास 9th के लिए, और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये है पॉलीनोमियल्स। सो पॉलीनोमियल्स हमको हमने लास्ट क्लास तक पढ़ा है, हमने तक पढ़ा है कि मोनोमियल्स, बायनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स और फिर पॉलीनोमियल्स होते हैं, मतलब जिसके अंदर मोर देन थ्री टर्म्स होती हैं, दैट आर नोन एज दी पॉलीनोमियल्स। तो पॉलीनोमियल तक तो हमको पता है, लेकिन पॉलीनोमियल क्या होता है, बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, जिसमें मोर देन थ्री टर्म्स होते हैं, दैट इज़ नोन एज अ पॉलीनोमियल। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए एक इक्वेशन लिख के बताऊं, जैसे कि पी एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, सो ये एक पॉलीनोमियल हो जाएगा। अब आप उसमें कहने को कह सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ दो टर्म है, बट स्टिल वी कैन कॉल इट एज अ पॉलीनोमियल। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीनोमियल, एक छोटा सा एक पॉलीनोमियल का एग्जाम्पल है। अब इस चैप्टर में हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने के लिए वो ये है कि ये जो पॉलीनोमियल इस चैप्टर में है, इसमें हम पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल के बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने आपको कुछ दिन पहले दूसरी क्लासेस में भी बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। तो जैसे कि अगर हमने लिखा था, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई इज इक्वल्स टू 20, ये एग्जाम्पल है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें वेरिएबल दो हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक x है और एक y है। तो जिस इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया था इक्वेशन इन विच देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, जैसे कि यहाँ पे एक x है और एक y है, सो दिस इक्वेशन विल बी अ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, सो ये होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेकिन अगर हम लिखते हैं कि थ्री वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक सिंगल ही वेरिएबल है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें कि वेरिएबल सेम है, सो ये वाली जो इक्वेशन हो जाएंगी, दिस इज दी लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। सो दिस इज दी इक्वेशन विथ वन वेरिएबल एंड दिस इज दी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। तो इसी तरीके से हम पॉलीनोमियल का जो चैप्टर है जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, इस चैप्टर में हमको यही देखना है कि हमारे पास इक्वेशन कौन सी है। सबसे पहले तो आज इस चैप्टर में जो हम डील करेंगे, दैट विल बी दी लीनियर इक्वेशंस विद सिंगल वेरिएबल। तो यहाँ पे जितने भी पॉलीनोमियल्स होंगे, ये सारे सिंगल वेरिएबल में ही होंगे। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर है प्लस फाइव एक्स, तो दोनों जगह यहाँ पे x ही यूज़ किया है, यहाँ पे y या z हमने यूज़ नहीं किया है। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जितनी हम पॉलीनोमियल्स पढ़ेंगे, दे ऑल विल बी इन सिंगल वेरिएबल, यानी कि वो सारे के सारे सिंगल वेरिएबल के साथ ही होंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा एक एग्जांपल है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास जो टर्म्स हैं, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली बात हम देखेंगे कि पॉलीनोमियल में कोफिशेंट क्या होता है। तो जैसे कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, मान के चलिए कि जैसे इक्वेशन है माइनस एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस टू, तो ये हमारे पास एक पॉलीनोमियल है। अब इसमें आप देखिए कि ये सीक्वेंस में ही अरेंज्ड है, हमको ये चीज़ सबसे ज़रूरी है देखना हर क्वेश्चन में कि जो इनके जो पावर्स हैं, जैसे देखिए पहला जो टर्म है इसकी पावर है थ्री, फिर है टू, फिर यहाँ पे कोई पावर नहीं, जहाँ पे कोई पावर नहीं होती वहाँ हमको मालूम है कि यहाँ पे पावर है वन, और उसके बाद ये है कॉन्स्टेंट टर्म। तो सबसे पहली बात देखिए कि हमको यहाँ पे जो पावर है इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इट शुड बी ऑलवेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कि ये थ्री यानी कि क्यूब स्क्वायर, फिर जिसके ऊपर पावर मेंशन नहीं है वो, और फिर जो कांस्टेंट है। ध्यान रखिए, हम कांस्टेंट को आगे या इनके बीच में अरेंज नहीं करेंगे, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और लास्ट में आएगा कांस्टेंट। सो कांस्टेंट विल बी इन द लास्ट, बाकी सब चीज़ें पहले रहेंगी, और सबसे पहले सबसे ज़्यादा पावर वाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और फिर लास्ट में कांस्टेंट। तो ये एक सीक्वेंस हमको हर किसी में मेंटेन करना है। कई सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें कि सीक्वेंस आपको ऊपर नीचे करके दे दिया जाएगा, ये सीक्वेंस सेम नहीं रहेगा, तो हमको उस सीक्वेंस को वापस से अरेंज करना है, उसके बाद ही हम किसी को क्वेश्चन को आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, हमको यहाँ पे चेक करना है कोफिशिएंट।
अब यहाँ पे हमको निकालना है कोफिशियंट ऑफ सबका, हम निकालेंगे जैसे कि अगर हम सबसे पहले निकालते हैं माइनस एक्स क्यूब, तो सबसे पहली बात तो ये कि कोफिशियंट होता क्या है। देखिए कोफिशियंट ये होता है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ नंबर कौन सा है। यानी जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ, मैं आपको साधारण सा समझाने के लिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है 4x2, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है दैट इज एक्स। सो नाउ यहाँ पे जो है कि x के साथ नंबर कौन सा, विच नंबर इज विद दी वेरिएबल दैट विल बी दी कोफिशियंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। कि यहाँ पे x के साथ नंबर कौन सा है, यहाँ पे है 4। अब 4 कौन सा, ये पॉजिटिव का 4, तो x का कोफिशियंट यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4, या हम सिंपली इसको 4 लिख सकते हैं। इसी तरीके से सबसे पहले हम यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब का हम देखेंगे, तो माइनस एक्स क्यूब में आप देखिए कि इसके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं है इसका मतलब है कि वहाँ पर है 1। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं, तो हमको यहाँ पे अपने आप समझ जाना है कि यहाँ पे 1 है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कोफिशियंट ऑफ माइनस एक्स क्यूब, सो दैट विल बी माइनस 1। ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी कि इट इज माइनस 1। इसी तरीके से हम नेक्स्ट निकालेंगे एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस, यहाँ पर हम एक जगह माइनस ले सकते हैं, अगर हमने यहाँ माइनस ले लिया तो हम यहाँ नहीं लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये टर्म गलत हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब लिया, तो हम यहाँ पर 1 ले लेंगे। अब है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के आगे आप देखिए यहाँ पे लगा है 4, सो द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 4, ये हो जाएगा 4। नाउ एक्स अकेला जो एक्स है, इसका कोफिशियंट हो जाएगा 7, क्योंकि इसके साथ है 7। ध्यान रखिए आप, हम हमेशा उसी नंबर का कोफिशियंट लेंगे जो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में होगा। अब आप देखिए जो 7x है, इसका मतलब है 7 × x। इसी तरीके से 4x2, तो यानी कि 4 × x2, और यहाँ पे जो 1 था वो भी इससे मल्टीप्लीकेशन में ही था, तो यहाँ पे हमको जो है यहाँ पे आ जाएगा 7, और ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो इसी तरीके से हमको कोफिशियंट किसी भी इक्वेशन का हमको फाइंड आउट करना, ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। आपको बस ये देखना है कि जो वेरिएबल है उसके साथ कौन सा नंबर लगा हुआ है। मल्टीप्लीकेशन में ध्यान रखिए प्लस ना हो, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि 3 + x और आपसे पूछा गया है फाइंड द कोफिशियंट ऑफ x, तो यहाँ पे x का कोफिशियंट हो जाएगा 1, ना कि 3, क्योंकि 3 इसके साथ एडिशन में है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। तो यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं, यानी होगा यहाँ पे 1। सो ये ज़रूर आपका x की वैल्यू यहाँ पे कोफिशियंट हो जाएगा। अगर लिखा है 3x, 3x मतलब ये है 3 × x, तो ज़रूर ये x का कोफिशियंट हो जाएगा 3। तो आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, ये एक सिंपल सा एक इसके अंदर जो है याद रखने वाली चीज़ है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। सो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, और ये इसका सोल्यूशन है, इसका एक्सप्लेनेशन भी है, सो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, अब हम जैसे इसी से रिलेटेड अगर हम आगे देखते हैं कि एक क्वेश्चन हम और देखते हैं जिसके हमको कोफिशिएंट निकालना है। जैसे कि हम लेते हैं इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन है y की पावर 4 प्लस y प्लस 5। अब हमें इसको उसमें कोफिशिएंट निकालना है, तो हम बहुत सिंपली करेंगे। यहाँ पे y है, तो y की पावर पहला वाला y की पावर 4, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये आपको बहुत सिंपली दिख रहा होगा। यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा 1, क्योंकि इसका अभी कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पे जो y है, इसके आगे भी कुछ नहीं है, तो इसकी भी कोफिशिएंट हो जाएगा 1। सो बस आपको इतना ही करना है, अगर आज टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको जिसमें हमको कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो बस हमको इतना सा सिंपली करना और हमारा जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है
सो आज की क्लास में हमने देखा कि हमको किस तरीके से एक पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के अंदर मोर देन थ्री टर्म्स या थ्री टर्म्स भी होंगी तो भी हम उसको एक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। और जो हमने आज देखा ये थे पॉलिनोमियल्स विद सिंगल वेरिएबल और उनके कोफिशिएंट हम कैसे डिराइव करते हैं, ये हमने आज की क्लास में देखा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।